अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इससे पहले अमित शाह 1 जून को फिल्म को स्पेशल स्क्रीन में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज की भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि मंगलवार को फिल्म के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि अमित शाह 1 जून को अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग देखेंगे, जो अंतिम हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनकी साहसी कहानी पर आधारित है। वहीं पृथ्वीराज चौहान का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। इसके साथ ही द्विवेदी ने कहा है कि यह हमारा सम्मान है कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारत माता के सबसे बहादुर सपूतों में से एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली जीवन पर महाकाव्य गाथा के गवाह बनने जा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को सन 1991 में टेलीविजन धारावाहिक चाणक्य और विभाजन पर आधारित 2003 की फिल्म पिंजर के निर्देशन के लिए जाना जाता है। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज होगी। अक्षय कुमार के अलावा मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद फिल्म का अहम हिस्सा है। अक्षय कुमार ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कहा था कि उनकी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज को स्कूलों में दिखाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अक्षय ने यह भी कहा था कि उन्होंने पृथ्वीराज रासो किताब के जरिए पृथ्वीराज के जीवन और उस काल के बारे में जाना है और यह अनुभव किया है कि लोग कितना कम इस शासक के बारे में जानते हैं। इस महीने की शुरुआत में फिल्म का पहला गाना हरिहर रिलीज किया गया है। इस गाने को आदर्श शिंदे ने अपनी आवाज दी है, तो वहीं गीत में संगीत शंकर एहसान लॉय का है। ब्यूरो रिपोर्ट आई।